यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफी बेहतरीन शेयर है, और कंप्लीट रूप से हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे और हर गिरावट में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इतना बेहतरीन ये शेयर है। तो कंप्लीट बिजनेस के डिटेल को जानेंगे, कंपनी करती क्या है, कंपनी के बिजनेस किस किस ग्लोबली कंट्री में फैला हुआ है, तो इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये स्टॉक है डिविज लेबोरेटरीज और इसका मार्केट कैप की बात है 130,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक ब्लू चिप कंपनी है और प्रीवियस जो रिकॉर्ड है कंपनी का काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए हम वैसे ही कंपनियों को सिलेक्ट करते हैं जिसका बिजनेस आगे 10 साल और 20 साल के लिए सस्टेन हो। तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है, आप चाहे तो प्रॉफिट 3 इयर्स 5 इयर्स में बुक कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में किस कंपनी के बिजनेस जो है सस्टेन कर पाएगा, उसी में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। तो वहाँ पर जो हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है वो काफ़ी ज़बरदस्त होता है। देखिए, अगर आपको ब्रीफ में किसी भी कंपनी के बिजनेस को जानना हो, कंपनी के बारे में जानना हो, या तो कंपनी के वेबसाइट पे जाइए, वहां से इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कीजिए, एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कीजिए। कंपनी के वेबसाइट पर अलग अलग जो फैक्ट्स होते हैं, अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, उससे आप कंपनी के बारे में जान सकते हैं। या आप छोटे से ब्रीफ में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर skinner.in, इससे बेहतर कोई भी वेबसाइट नहीं है, skinner.in से बेहतर कोई वेबसाइट नहीं। तो यहाँ पर आप कंपनी के बारे में शॉर्ट में अच्छे से जान सकते हैं। तो देखिए, डिविज लेबोरेटरी जो है मैन्युफैक्चरिंग करता है एडवांस फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट का, और कंपनी जो है वर्ल्ड की लीडर कंपनियां है फार्मा सेक्टर की, और 95 कंट्रीज में इसके कंपनी जो है एक्सपोर्ट करती है, मतलब अपना प्रेजेंस रखती है। 17,000+ एम्प्लॉयज है, यह आप कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में पा सकते हैं, यहाँ पर मात्र 14,000 दिया है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो जेनरिक एपीआई बनाती है, जो कि एडवांस एपीआई बनाती है, न्यूट्रासिटिकल इंग्रेडिएंट बनाती है, कस्टम सिंथेटिक ऑफ एपीआई इंग्रेडिएंट्स फॉर ग्लोबल कंपनीज, क्योंकि कंपनी जो है ग्लोबल प्रेजेंस रखता है 95 कंट्रीज में, जहाँ कंपनी का जो रेवेन्यू है 47% रेवेन्यू मात्र जो टॉप 5 प्रोडक्ट्स है उससे आता है, जबकि कंपनी का जो टोटल प्रोडक्ट है पोर्टफोलियो में 122 प्रोडक्ट्स है। अगर ज्योग्राफिकल प्रेजेंस में बात करें रेवेन्यू का, तो जो कंपनी का 85% रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं इंडिया से मात्र 15% रेवेन्यू है, और 47% रेवेन्यू तो अकेले यूरोपियन यूनियन में है, और 23% अमेरिका से। तो अगर इस दोनों को ऐड कर दीजिए तो 70% रेवेन्यू मात्र यूरोप और अमेरिका से आती है, 15% इंडिया से और एशिया से 11%, और रेस्ट जो वर्ल्ड है उससे 4%। वही कंपनी का रेवेन्यू था 33% 2017 में अमेरिकन मार्केट से, जो कि डिक्रीज होकर के हो चुका है 23% फाइनेंशियल 20 में, और वहीं यूरोपियन मार्केट में 40% से बढ़कर के 47% हो चुका है। तो कुछ इस तरह का रेवेन्यू ब्रेकअप रहा है ज्योग्राफी वाइज। अब बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का, 3 रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर है कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग जो लोकेशन है उसके आसपास। तो कंपनी यहाँ पर जो अलग अलग जो न्यू फार्मा प्रोडक्ट हो उसे रिसर्च करती है, फिर अपना प्रोडक्ट तैयार करती है। तो कुछ इस तरह का रहा है, काफ़ी बेहतरीन ये कंपनी है। और फिर नीचे चलते हैं तो कंपनी के बारे में और बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, जैसे कंपनी के बिजनेस के बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो कंपनी का जो वेबसाइट है उस पर देखिए आप आ सकते हैं। तो कंपनी के वेबसाइट पर यहाँ पाते हैं तो देखिए, बिजनेस ऑपरेशन में 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, देखिए 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वर्ल्ड क्लास है, और ये 14,000 m³ में है, और कंपनी का जो एक है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट एपीआई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। साथ साथ 1500 साइंटिस्ट काम करती है इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में। तो देखिए, इतने बड़ा साइंटिस्ट का टीम है, मतलब कंपनी जो है लगातार नए नए प्रोडक्ट के इनोवेशन में लगा रहता है। 17,000 देखिए प्लस इम्प्लॉयज है 3 कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड। वही कंपनी के बिजनेस सेगमेंट में आप जा करके कंपनी का जो अलग अलग प्रोडक्ट है, जो कि मैंने पहले भी देखा, तो उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल पा सकते हैं, जो प्रोडक्ट होता है किस काम में यूज होता है, प्रोडक्ट कैसे कंपनी तैयार करती है। तो कंपनी का बिजनेस हमने देख लिया कि कंपनी का जो ग्लोबल प्रेजेंस है, प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो भी देख लिया। तो अब कंपनी के फंडामेंटल्स पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, करंट प्राइस है 4,900 के आसपास, डिविडेंड यील्ड जो है कंपनी का 0.41% है, और बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32.1%, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 23.9%, प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 52% का प्रमोटर्स होल्डिंग है,
डेट टू इक्विटी की बात करें, देखिए डेट टू इक्विटी जीरो है, मतलब कंपनी के ऊपर सिर्फ 5 करोड़ का डेट है, 5 करोड़ से भी कम का है। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है देखिए 2049 करोड़ का। तो इतनी बड़ी कंपनी, कंपनी के ऊपर कोई डेट है ही नहीं, ये 5 करोड़ तो निगलेजिबल, मतलब इस कंपनी के लिए जीरो के बराबर ही है। रिजर्व 9242 करोड़ का। जब कंपनी के एनालिसिस आएगा तो प्रोज और कॉन्स में, यहाँ पर कोई कॉन्स नहीं है, मात्र यहाँ पर है कि बुक वैल्यू से 14 टाइम्स पे स्टॉक का प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो देखिए अच्छे स्टॉक आपको हमेशा महंगे ही मिलेंगे, तो वही बात इस स्टॉक में भी, तो ये कोई भी निगेटिव चीज़ नहीं है, सारे के सारे जो कंपनी में चीज़ें हैं वो पॉजिटिव हैं, मतलब प्रोज ही है। डेट रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे करती है 29% का। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है लास्ट 10 ईयर्स में 18% का है। देखिए सेल्स का ग्रोथ ही है तो प्रॉफिट आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ग्रो हुआ होगा। तो प्रॉफिट के ग्रोथ को देखने के लिए हम यहाँ पर चलेंगे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में। यहाँ पर जब आप नीचे आइएगा, देखिए प्रॉफिट ग्रोथ तो 17% का रहा है पिछले 10 ईयर्स में, 18% का रहा है सेल्स ग्रोथ, तो थोड़ा सा प्रॉफिट 1% कम ही इंक्रीज हुआ है। अब देखिए प्राइस का CAGR 29% का CAGR दिया है प्राइस का, तो जो कि काफ़ी सॉलिड है। इस तरह से आप देखते हैं कंपनी का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बेहतरीन है। और यहाँ पर अगर आप डिटेल में यहाँ पर बॉटम लाइन और टॉप लाइन ग्रोथ देखना चाहते हैं तो देखिए टॉप लाइन ग्रोथ तो सेल्स था 2010 में मात्र 942 करोड़ का, जो कि इंक्रीज होकर के हो चुका है 7200 का, अभी जो ट्रेलिंग 12 मंथ का सेल्स है। फिर यहाँ पर बॉटम लाइन ग्रोथ की बात करें, नेट प्रॉफिट 340 करोड़ का था 2010 में, जो कि बढ़कर के हो गया 2049 करोड़ का। तो बॉटम लाइन ग्रोथ तो भी काफ़ी ज़बरदस्त है, टॉप लाइन ग्रोथ भी काफ़ी ज़बरदस्त है। अब बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल देखिए कंपनी के पास है 53 करोड़ का। रिजर्व जो कंपनी का लगातार इंक्रीज हुआ है, रिजर्व यहाँ पर था 2010 में 1491 करोड़ का, जो कि बढ़कर के हो गया 9242 करोड़ का। अगर डेट की बात करें तो 2010 में था मात्र 33 करोड़ का, जो कि बढ़कर के यहाँ पर 2019 में हो चुका था 106 करोड़ का, और वहाँ से काफ़ी तेज़ी से डिक्रीज हुआ। और अभी कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, क्योंकि 5 करोड़ का मात्र डेट है, जो कि कंपनी के लिए जीरो के बराबर है। और वहीं कैश फ्लो की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कंपनी का जो कैश फ्लो है वो हमेशा जनरेट किया, और साथ ही साथ कैश फ्लो देखिए यहाँ पर बढ़ा भी है। तो जब कंपनी इस तरह से कैश फ्लो जनरेट कर रही है और कैश फ्लो लगातार बढ़ रहा है, तो जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होता है इन्वेस्टर के लिए। तो कंपनी का कैश फ्लो लगातार इंक्रीज हो रहा है, काफ़ी बेहतरीन साइन। अब रेशियोज की बात करें तो कंपनी का यहाँ जो रेशियोज है डिफरेंट डेबिटर्स डेज की बात करें तो कंपनी का डेबिटर्स डे इम्प्रूव हुआ है, 88 डेज यहाँ पर डेबिटर्स डेज हो चुका है, तो लगभग इसी के आसपास रहा भी है कंपनी का डेबिटर्स डेज। इन्वेंट्री टर्नओवर की बात करें तो ये भी कंपनी लगातार मेंटेन किया है और इम्प्रूव भी किया है साथ साथ। अब इन्वेस्टर की बात करें, प्रमोटर्स का स्टेक ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है, थोड़ा सा पॉइंट में कुछ डिक्रीज हुआ है तो कोई खास बातें नहीं है। तो 51.95% प्रमोटर स्टेक है, FIs का स्टेक 20.6% है, काफ़ी बेहतरीन है। DIs का स्टेक 16.56% है, पब्लिक का स्टेक 10.89%। तो यहाँ अगर FIs और प्रमोटर्स दोनों को मिला दें तो लगभग 72% से भी ज़्यादा का स्टेक है, तो काफ़ी बेहतरीन है जो स्टेक है इसमें, काफ़ी ज़्यादा है FIs प्लस प्रमोटर्स का। यहाँ पर हमने देख लिया कि कंपनी का जो बिजनेस है वो भी काफ़ी बेहतरीन है, कंपनी का जो फंडामेंटल है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। तो कंपनी के टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। देखिए टेक्निकल चार्ट पे हमें प्राइस में ग्रोथ देखना चाहिए, क्योंकि प्राइस में जब ग्रोथ होगा तभी हमें वहाँ पर रिटर्न जनरेट होगा, मतलब हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए हमने डेली चार्ट लगा है, क्योंकि पीछे का अगर हम चार्ट देखेंगे तो बाद में हम यहाँ पर वीकली और मंथली चार्ट भी देखेंगे, तो लॉन्ग टर्म पे काफ़ी बेहतरीन रहा है। तो यहाँ पर बात करें कब आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किस प्राइस पे, तो ये ट्रेंड लाइन है, किसी कभी भी ये इस ट्रेंड लाइन पे आता है तो आप यहाँ पर सपोर्ट लेकर के जैसे वापस जाता है तो आप यहाँ पर अपना पहला जो SIP है, स्टॉक SIP वो कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर ब्रेकआउट देता है तो आप कर सकते हैं, या मान लीजिए कभी इसमें गिरावट होता है या थोड़ा सा जो रेवेन्यू है वो डिक्लाइन हो जाता है किसी क्वार्टर में, तो थोड़ा बहुत करेक्शन होता है, तो ये सपोर्ट लाइन इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखिए लॉन्ग टर्म के सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में ये सपोर्ट यहाँ पर भी ले सकता है 4400 पर। अगर लॉन्ग टर्म में सपोर्ट की बात करें, कोई बड़ी गिरावट आती है तो बड़ी गिरावट का जो सपोर्ट होगा वो होगा 3880, और यहाँ से ज़्यादा गिरावट की संभावना काफ़ी कम दिखती है। तो ये देखिए यहाँ पर 5000 के अगर ऊपर निकलता है, 5050 के ऊपर, तो फिर दोबारा हो सकता है ये स्टॉक नीचे ना आए। और लेकिन अगर कभी बड़ी गिरावट होती है, देखिए दोनों चीज़ें हो सकती है स्टॉक मार्केट में, किसी भी स्टॉक में कोई बड़ा करेक्शन हो जाता है, तो अगर ये स्टॉक फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग है और इसका बिजनेस भी काफ़ी बेहतरीन है और आने वाले समय में हमें इसमें काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है,
तो जैसे कोई बड़ा करेक्शन होता है तो वो हमारे लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो जो बड़ा गिरावट हो सकता है तो उसका हमने आपको सपोर्ट बता दिया कि 3800 जो होगा इसका सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। इसके ऊपर कहीं पे भी गिरावट होने के बाद ये स्टॉक ऊपर की ओर जैसे मोमेंटम करने लगता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में हमेशा इस स्टॉक ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, आने वाले समय में भी ये अच्छा खासा रिटर्न देगा क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है कंपनी वर्ल्ड वाइड। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।